हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर सामिक्स में। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टू डिफरेंट मैक्रमे प्लांटर्स। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, ताकि मैं अपना जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियोस देख सकें। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं या आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते हैं। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं अपने ये मैक्रमे प्लांटर्स, जो कि एक टेबल टॉप प्लांटर होने वाला है और एक हैंगिंग प्लांटर। तो सबसे पहले हैंगिंग प्लांटर बनाएंगे। तो हैंगिंग प्लांटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं मेटल के बैंगल और ये लिया है मैक्रमे थ्रेड। ये मेरे पास पुराने मेटल के बैंगल थे जिसे मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे क्राफ्ट स्टोर से आप वुडन रिंग भी ले सकते हैं। मैक्रमे वर्क के लिए डिफरेंट वुडन रिंग्स भी आते हैं। आपके पास कोई भी स्पेयर बैंगल्स हैं जो पुराने या डिसकलर हो गए हैं तो आप उन्हें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं बैंगल को कवर, अगर वुडन रिंग होता तो मैं उसे कवर नहीं करती या करती भी, बट जो कि ये मेरा मेटल बैंगल है तो मैं इसे कवर करके एक अच्छा सा लुक देना चाहती हूँ। तो उसे इस तरह से कवर करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से सिंपल नॉट्स करती जा रही हूँ। देखिए आप बिल्कुल ध्यान से, तो इस तरह से सिंपल नॉट्स करते हुए मैं पूरे रिंग को, यानी कि पूरे बैंगल को इस तरह से कवर कर लूँगी। अगर आप वुडन रिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे भी इस तरह से कवर कर सकते हैं, या बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट मैक्रमे प्लांटर बनाने के लिए मूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने बैंगल को इस तरह से मैक्रमे थ्रेड की हेल्प से अच्छी तरह से कवर कर लिया है। कंप्लीट कवर करने के बाद फिर मैं उसके ऊपर अपना हैंगिंग प्लांटर बनाऊंगी। तो यहाँ पे इनको मैंने सिक्योर कर लिया है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो प्लांटर बनाऊँगी तो वहाँ पर ये एक्स्ट्रा थ्रेड वहीं पर, मतलब मैं जब यहाँ पे नॉट करूँगी, एक नॉट करने वाली हूँ तो वहाँ पर वो यूज़ हो जाएंगे। तो आप देखते जाइए कैसे करने वाली हूँ और मैं क्या करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने 3 मीटर्स के 8 स्ट्रिंग्स लिए हैं, मतलब 3 मीटर के हमें 8, इस तरह से 8 यानी 8 डिफरेंट मैक्रमे कट करने हैं, मतलब सेम इक्वल साइज़ के 3 मीटर के मैंने यहाँ पे 8 मैक्रमे लिए हैं और फिर उसे क्रॉस कर दिया है। तो ये टोटल 16 थ्रेड फॉर्म हो गए हमारे पास। तो 16 कोड यहाँ पे हैं जिनकी हम आगे बुनाई करेंगे या जिन्हें हम आगे मैक्रमे प्लांटर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉट करेंगे, नॉट से हम इसे सिक्योर करेंगे यहाँ पे रिंग में। तो ये देखिए, जो रिंग में एक्स्ट्रा वाला जो हमने थ्रेड छोड़ा था उसे भी यहीं पे ले लेंगे और उसी नॉट में साथ में ही नॉट कर देंगे। तो नॉट करने के लिए देखिए, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है ये नॉट करने की। तो बस इस तरह से आपको नॉट करना है। ये देखिए, ऐसे थोड़ा सा थ्रेड लेना है, 1 मीटर थ्रेड लिया है मैंने यहाँ पे, सेम मैक्रमे थ्रेड ही यूज़ किया है। और फिर उससे इस तरह से राउंड राउंड करके और स्ट्रेच करके हमें यहाँ पे इसे नॉट कर देना है। यहाँ पे जो मैक्रमे थ्रेड मैं यूज़ करी हूँ वो नायलून वाला, जो नायलून का आता है मैक्रमे थ्रेड, क्राफ्ट स्टोर्स में इजीली मिल जाते हैं वो हैं। आप चाहें तो इस तरह से कॉटन के भी, कॉटन रोप वाले मैक्रमे थ्रेड भी, मतलब कॉटन रोप भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल प्लांटर्स बनते हैं। तो उसके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे रोप प्लांटर्स और हैंगर्स इस तरह से मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। हैंगिंग प्लांटर्स, टेबल टॉप प्लांटर्स, ऐसे डिफरेंट टाइप के प्लांटर्स मैंने पहले भी बहुत सारे बनाए हैं। तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा नॉट रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 16 कोड्स बनाए हैं। तो ये देखिए, 4-4 कोड को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, मतलब 4 सेक्शंस बनाने हैं हमें और हर सेक्शन में इस तरह से 4 डिफरेंट कोड आएंगे। फिर इस पे हमें नॉटिंग करनी है। तो नॉटिंग मैं यहाँ स्क्वायरल नॉट कर रही हूँ, जैसे कि स्क्वायरल नॉट होता है, स्क्वायर नॉट होता है, पर मैं यहाँ पे स्क्वायरल नॉट यूज़ कर रही हूँ। तो स्क्वायरल नॉट करने का थोड़ा ईजी होता है मुझे लगता है स्क्वायर नॉट की तुलना में, क्योंकि जो स्क्वायर नॉट होता है वो कभी लेफ्ट कभी राइट से करना पड़ता है, बट स्क्वायरल नॉट का बस एक साइड पकड़िए और बस करते जाइए सेम मेथड को फॉलो करते हुए, और कंप्लीट प्लांटर आपको जितना लॉन्ग चाहिए बिल्कुल उतना लॉन्ग आप यहाँ पे बना लीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने 3 मीटर थ्रेड कोड लिया था यहाँ पे, तो 3 मीटर का थ्रेड कोड लिया था। तो आप यहाँ पे अपने हाइट की रिक्वायरमेंट, जैसे आपको अगर बहुत लंबा चाहिए प्लांटर तो आप उस हिसाब से मीटर्स घटा और बढ़ा भी सकते हैं। ये प्लांटर्स जब आप देखते हो तो देखने में लगता है कि बड़ा टफ सी बुनाई है, बड़ा टिपिकल सा पैटर्न है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी और सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तुरंत ही सीख जाएंगे और बहुत ही इजीली कर पाएंगे। मैंने भी इसे बहुत ही जल्दी सीख लिया था, बहुत ही सिंपल है और बनाने में बहुत मज़ा आता है। बस 1/2 आवर में आपका एक ब्यूटीफुल सा प्लांटर रेडी हो जाता है।
यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से फोर कोड बना लिए हैं सेम स्क्वायर नेट फॉलो करते हुए, और फिर हमने जैसे फर्स्ट में नॉट किया था वैसे ही सारे को हम लास्ट में एंड में इस तरह से नॉट कर देंगे। सेम प्रोसेस सेम नॉट हमें सेम स्टाइल से करना है और इस तरह से हम सारे एंड्स को सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पे नॉट करने के बाद अब हमें यहाँ पे नेट बनाना है, मेस टाइप का बनाना है जिसपे हम अपना पॉट हैंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं सिंपल नॉट जैसे नॉट करते हैं सिंपल ऐसे बस दो नॉट कर करके इस तरह से मैं यहाँ पे एक नेट फॉर्म कर लूँगी। गौर से देखिए बिल्कुल एक स्ट्रिंग इसमें से लेना है, दूसरा स्ट्रिंग उसमें से, इस तरह से सारे स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट करना है। फिर स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करने के बाद जो इन में हमें सेम नॉट करके इसे सिक्योर कर लेना है और जो एक्स्ट्रा उसे कट करके रिमूव कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हो गया हमारा एक क्यूट सा हैंगिंग प्लांटर रेडी। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेबल टॉप प्लांटर की ओर, जिसके लिए हमें लगेंगे कुछ बैम्बू स्टिक, एक डिस्पोजेबल कंटेनर और एक पॉट, जो भी पॉट आप इसमें प्लेस करना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक डिस्पोजेबल दूसरा कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से ये हमारे पॉट का हाइट हो गया। तो जो भी हाइट हमें चाहिए अपने प्लांटर का वहाँ पे मार्क करके इस तरह से बैम्बू स्टिक्स को कट कर लेंगे। अब हमें कितने बैम्बू स्टिक्स लगेंगे उसे नापने के लिए हम यहाँ इंची टेप यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखें कि हमें इवन नंबर नहीं रखने हैं, ऑड नंबर रखने। जैसे यहाँ देखिए इसका पूरा सर्कमफेरेंस जो है 14 इंचेस आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे 13 मार्क करेंगे या 15 मार्क कर सकते हैं। ऑड रखना है, इवन नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 13 मार्क करूँगी। तो यहाँ पे हमें टोटल 13 बैम्बू स्टिक्स लगेंगे, और हमें 13 बैम्बू स्टिक्स को मैं जिस तरह से हमें जो भी हाइट चाहिए उस पर मैं कट कर लूँगी। तो उसके पहले यहाँ पे देखिए जो कंटेनर का इस तरह से निकला हुआ साइड है उसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि फिर बैम्बू स्टिक यहाँ पे स्टिक करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो हम उसे यहाँ पे मूव कर लेंगे। इस तरह से कट करके रिमूव कर दिया है, और बैम्बू स्टिक्स का जो हाइट था उसे मार्क करके हमने कट कर लिया है। और यहाँ पे हॉट ग्लू की हेल्प से हम इसे पेस्ट कर रहे हैं पूरे कंटेनर पे। मैं 13 स्टिक्स पेस्ट करने वाली हूँ। तो पेस्ट करने के बाद हम करेंगे मैक्रोमे थ्रेड का यूज़, और उससे बनाएंगे अपना ये टेबल टॉप प्लांटर। तो
ये देखिए बैम्बू स्टिक्स हमने स्टिक कर लिया है, और उसके बाद हम इसे हॉट ग्लू की हेल्प से यहाँ पे मैक्रमे थ्रेड इस तरह से स्टिक करते जाएंगे राउंड राउंड, जब तक कि हमारा वो स्मॉल वाला कंटेनर कवर ना हो जाए। और उसके बाद जब बैम्बू स्टिक आ जाएगी तो हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के लिए हम एक छोड़कर फिर दूसरे स्टिक में डालेंगे इस तरह से। देखिए एक एक छोड़कर हम इस तरह से स्टिक में डालते जाना है और इसे राउंड राउंड करते जाना है जब तक कि हमारा पूरा प्लांट कवर ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं दो पैटर्न यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यही सेम पैटर्न यूज़ करके इसे टॉप तक कवर कर सकते हैं, पर मैंने टॉप पे यहाँ पे दूसरा पैटर्न क्रिएट किया है तो आप आगे देखेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसे थोड़े दूर तक इस तरह से एक छोड़कर एक में इस तरह से थ्रेड पास करते जाना है, और इस तरह से एक अच्छा सी वेविंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखने के लिए। तो देखिए दूसरे पैटर्न में मैं यहाँ पे ऐसे दो बार ऐसे रिंग रिंग करके राउंड राउंड करके और स्टिक्स में ऐसे डालती जाऊँगी जिससे एक डिफरेंट वेविंग होगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो सेम पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हैं एक एक छोड़कर, और नहीं तो फिर इस तरह से देखिए डबल डबल रिंग करके मैं यहाँ पर इस तरह से एक डिफरेंट पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फिर फाइनल जब हमारा एंड आ जाएगा, जब एंड करना होगा तो हॉट ग्लू की हेल्प से हम एक मैक्रमे थ्रेड राउंड राउंड इसके टॉप पे स्टिक कर देंगे। तो हो गया हमारा एक टेबल टॉप प्लांटर एंड एक हैंगिंग प्लांटर रेडी। तो होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी दुर्गा पूजा चल रही है, तो प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैं जहाँ पे पूजा होता है उसका घर मेरे बहुत ही पास में है, तो वो म्यूज़िक दिन रात इसी तरह बजता रहता है, तो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।